हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहिंदर, आपका वेलनेस कोच, और आप देख रहे हो फिटनेस वॉरियर्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो एंड तक रखें। थैंक यू। आज की रेसिपी होगी हमोस हमारी, तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करने वाले हैं, पहले है ये छोले जिसको हमने ओवरनाइट सोक किया था और स्वाद अनुसार नमक के साथ मैश कर दिया, बॉईल कर दिया था, और उसको मैश होने की कंसिस्टेंसी तक आपको उसको बॉईल कर देना है। दिस इज़ पाव किलो छोला जो मैंने यूज़ किया है, एंड उसके लिए मैंने अलग से जो सेसमी सीड्स लगने वाले हैं उसका है 1 कप। अगर आप देखेंगे मैंने उसको पानी में सोक करके रखा हुआ है। दूसरी चीज़ जाएगी इसमें गार्लिक, अगेन आपके फैमिली के हिसाब से पंजेंसी के लिए गार्लिक जाता है, तो आप अपने फैमिली के हिसाब से पंजेंसी कम, गार्लिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में लगेगा नमक स्वाद अनुसार, बिकॉज मैंने छोले जब बॉईल किए थे इसमें ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स के बैलेंस के लिए टेस्ट करते करते आप जाएंगे। देन आया है इसमें चिलीज डालेंगे, एंड देन फाइनली ब्लैक पेपर। इसमें यहाँ पे मैंने रखा हुआ है उबले हुए छोले का पानी जो हम ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, उसे वेस्ट नहीं करना है बिकॉज दिस इज़ हाई इन प्रोटीन। अगेन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रखा हुआ है मैंने। यहाँ पे है लेमन जूस, बैलेंस करना है अंदाजे से, मैंने यहाँ पे फिलहाल 1.5 लेमन रखा हुआ है रेडी करके, एंड वेरी सिंपल रेसिपी। और ये लास्ट इंग्रेडिएंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हमने प्रोटीन रखा हुआ है, हेल्दी फैट्स रखे हुए हैं, बट इस बार फाइबर जाएगा हमारा थ्रू एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स। पहला काम है कि आपने ये जो भिगोए हुए तिल है उसको आपको मिक्सर में डालना है पानी के साथ, उसके पूरे यूज़ कर लेना है। साथ में आप डाल दीजिएगा लहसुन, अगर आपके परिवार में लहसुन नहीं खाया जाता यू कैन अवॉइड दैट। मैं फ़िलहाल थोड़ी डाल रही हूँ, अगर लगेगी देन वी कैन गो अहेड एंड ऐड मोर। एंड इसी के साथ मिर्ची, उसकी डंठल निकाल दीजिएगा, एंड बच्चों की वजह से मिर्ची कम डालते हैं, वरना आप अपने फैमिली के हिसाब से चिलीज डाल सकते हैं। पहले इसका पेस्ट बनाएंगे, सो यस, इसको ग्राइंड करके इसका बहुत फाइन पेस्ट बनाना है, तो देख लेते हैं क्या हद है। दिस इज येट टू बी डन। अगर आपको लगे कि इसमें मुझे पानी डालना है, इसमें ये छोले वाला जो हमने बनाया रखा हुआ है, वी विल यूज द सेम वाटर थ्रू आउट द रेसिपी फॉर ब्लेंडिंग आवर इंग्रेडिएंट्स। वन मोर टाइम, देखें ये फाइन पेस्ट हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी ग्रैन्यूलर है, इसको और एक चर्न लगने वाला है, बट इसमें आप पानी की जरूरत फिलहाल नहीं है, तो यस, वन मोर चर्न टू मेक इट अ स्मूथ पेस्ट। ये देखिए हमारा ताहिनी पेस्ट, नाउ इट इज थिक एंड स्मूथ बन चुका है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, हम हमारा हमस बनाएंगे। यस, हमस बनाने के लिए ये हमारे उबले हुए चने हैं जो हम अभी इसी पेस्ट में जो हमने बनाई है ताहिनी, उसी में हम अपने चने डाल रहे हैं। भी अगर पानी की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ हम और एडिशनल बाहर का पानी नहीं, यही छोले वाला पानी यूज़ करना है। सो गेट रेडी। अभी ये निकाला है मैंने पेस्ट पहले बैच का, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है, बट अभी इसमें हमें मसाले ऐड करना बाकी है। तो यस, एट दिस स्टेज मैं अपना जो ब्लैक पेपर है वो ऐड कर रही हूँ। अगेन आपके फैमिली में अगर तीखा नहीं खाते हैं तो प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल में डालिएगा। अगेन नमक इसमें
एंड फॉर नाउ हम इसमें ये पानी फिर से जो छोले वाला है वो डाल रहे हैं बिकॉज थिक कंसिस्टेंसी है और बाकी सारा बैच करना बाकी है। इसके साथ एक स्टर दे के एक बार फिर से चर्न करते हैं। बन गई है, इसमें अभी तीन इंग्रेडिएंट्स मेन बच गए हैं, हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, लेमन जूस एंड ऑलिव ऑयल। तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। इसके मैं दो स्कूप्स डाल रही हूँ। इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वाइटल कि हमारे डाइट में फाइबर हम इंक्लूड करें फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। जो डायबिटिक्स होते हैं उनको भी आप एक्टिवेटेड फाइबर अगर देते हैं तो उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल होते हैं। एंड हियर यू गो, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो ऑफकोर्स फाइबर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें हम डाल रहे हैं लेमन। इसमें फिलहाल मैंने एक लेमन पूरा डाल दिया है, अगर लगी ज़रूरत तो वी विल बी एडिंग मोर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ऑलिव ऑयल है एक्चुअली 1-5 tablespoons जितना, बट मैं पूरा इसमें नहीं डालूंगी। आई विल बी यूजिंग दिस For the rest of the garnish. अब इसको हमें एक final churn देना है and the hummus is ready. Okay, so ये finally paste बन के ready हो गई है हमारे hummus की and अभी इसका last stage होगा इसकी garnishing and garnishing के बाद इसको chill करना है। Chill करके आप उसको tortillas या salads या fruits के साथ vegetables के साथ खा सकते हैं। So just garnish कर लेते हैं इसकी। इसको आप एक ऐसा dent बना सकते हैं circular, holding the spoon right from the center to the edge and उसके बाद आप इसके ऊपर you can sprinkle थोड़ा सा paprika या red chili powder जो आपके पास घर में available हो, बहुत हल्का सा, just for giving a light good look के लिए है ये, otherwise it's not needed। एंड इसके ऊपर आएगा अपना ऑलिव ऑयल, इसको आप ड्रिजल करने वाले हैं ऑल ओवर द हमस। डोंट वरी, ऑलिव ऑयल इतना यूज़ नहीं हुआ है, जैसे मैंने कहा 5 tablespoons टोटल जा रहे हैं इस रेसिपी में, सो इट इज़ नॉट समथिंग टू गेट वरीड अबाउट। एंड गार्निश के लिए मैंने ये कुछ उबले हुए छोले साइड में रखे थे विच यू कैन स्प्रिंकल ऑन टॉप ऐसे लूज, जस्ट थोड़ा अच्छा दिख जाएगा एट द एंड। आपके ऊपर है, आप उसके अंदर थोड़ा प्यूरी में भी डाल सकते हैं क्योंकि जब आप खाओगे तो उसके अंदर बाइट्स भी आ जाते हैं। एंड लास्ट पार्सली, अगर आपके पास फ्रेश पार्सली है तो वो फ्रेशली स्पाइस पार्सली डाल सकते हैं, वरना यहाँ पे आई एम यूजिंग ड्राई पार्सली, उसका अगेन थोड़ा सा डैश। That is it and hummus is ready. Now ये हमारा garnished hummus, उसके साथ आप अपने veggies खा सकते हैं, salad sticks खा सकते हैं as a mid snack पे। Here is an example, मैंने अपने mid snacking में choose किए हैं fresh cucumbers, carrots and pickled turnips and beetroots की sticks. Of course आपके ऊपर है, आप इस पर boiled broccoli भी खा सकते हैं and zucchinis खा सकते हैं। So it is a very very wholesome meal which is rich in fiber and protein. Enjoy your mid snack. Thank you.